का जो नेचर होगा और वेव फ्रंट का जो पोजीशन होगा उसके लिए यूज किया जाता है. हाइजंस प्रिंसिपल इज यूज टू फाइंड द नेचर ऑफ वेव फ्रंट एंड द पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट. जो नया वेव फ्रंट बनने वाला है उसका नेचर क्या होगा और उसका लोकेशन क्या होगा, मतलब उसका पोजीशन क्या होगा, उसके लिए हाइजंस प्रिंसिपल का यूज किया जाता है. जैसे स्फेरिकल वेव फ्रंट पॉइंट सोर्स से बनता है और प्लेन वेव फ्रंट भी पॉइंट सोर्स से बनता है, लेकिन स्फेरिकल वेव फ्रंट फाइनाइट डिस्टेंस पे होता है और प्लेन वेव फ्रंट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होता है. अकॉर्डिंग टू हाइजंस प्रिंसिपल स्टेटमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अकॉर्डिंग टू हाइजंस प्रिंसिपल ईच एंड एवरी पॉइंट्स on the wave front फिर वो फर्स्ट ऑर्डर का वेव फ्रंट हो, सेकंड ऑर्डर का वेव फ्रंट हो, किसी भी ऑर्डर का वेव फ्रंट हो, ईच एंड एवरी पॉइंट्स ऑन द वेव फ्रंट एक्ट्स एज ए सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट. एक्ट्स एज ए सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट. वेव फ्रंट के वेव फ्रंट पे जितने भी पॉइंट्स होंगे, मतलब पार्टिकल की बात कर रहा हूं, मीडियम के जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो हर एक पार्टिकल सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट का काम करेगा. मतलब वो पार्टिकल एक प्रकार का सोर्स होगा, पार्टिकल एक प्रकार का सोर्स होगा. एयर का पार्टिकल लाइट का सोर्स तो है नहीं, लेकिन उसके ऊपर जब लाइट इंसिडेंट होता है तो उस पार्टिकल से लाइट हर डायरेक्शन में स्प्रेड अप होता है. मतलब जैसे यहां पर कोई पार्टिकल है और लाइट इधर से आया और ये लाइट इस पार्टिकल के ऊपर इंसिडेंट हुआ, तो लाइट इंसिडेंट लाइट तो ये हुआ, लेकिन ये जो पार्टिकल है इस पार्टिकल से लाइट हर डायरेक्शन में स्प्रेड अप होता है, हर डायरेक्शन में स्प्रेड अप होता है. इसका मतलब अब यहां पर अगर हम देखेंगे तो ये क्या बन चुका है, सोर्स, इट इज द सोर्स ऑफ लाइट. पर एक्चुअली ये क्या है, पार्टिकल ऑफ मीडियम. ये मीडियम का क्या है, पार्टिकल है, लेकिन उसके ऊपर लाइट इंसिडेंट होने के कारण वहां से लाइट स्प्रेड अप होगा, स्कैटर्ड होगा, और यही पार्टिकल हमें सोर्स ऑफ लाइट के जैसा दिखाई देगा. दैट मीन्स each and every point on the wavefront acts as a secondary source of light. कल हमने यहाँ पर point source दिखाया और यहाँ से equal distance पर particle लिए थे, medium के particle लिए, ठीक है, और उन particle का एक locus बनाया, तो यहाँ पर एक wavefront तैयार हुआ. इसका मतलब ये wavefront medium के particle का locus है. इसका मतलब इस लाइन पर, ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया है, अब स्फीयर की बात कर रहे हैं तो वो सरफेस है, यहां पर हम लोग लाइन की बात कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली ये क्या है, सरफेस है. मतलब उस सरफेस पर जितने भी पार्टिकल है वो मीडियम के पार्टिकल है और उन पार्टिकल पर लाइट इंसिडेंट होने वाला है. इसका मतलब हर एक पार्टिकल जो है वो सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट का काम करने वाला है. जैसे ये लाइट यहां से इस पार्टिकल पर गया तो ये पार्टिकल लाइट को स्प्रेड अप करेगा. इट इज द पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट. पॉइंट मतलब ये पार्टिकल ही है मीडियम का, वेव फ्रंट के ऊपर है, क्योंकि वेव फ्रंट उसी से बना है, लोकस ऑफ पार्टिकल से ही बना हुआ है जो कि सोर्स से इक्विडिस्टेंस पर है. तो ये सब जितने भी पार्टिकल्स है ये सब सेकेंडरी सोर्स का काम करेंगे, और सेकेंडरी सोर्स का काम करने पर इसका खुद का एक वेव फ्रंट तैयार होगा कि नहीं होगा. उसी प्रकार से इसका भी वेव फ्रंट तैयार होगा, इसका भी होगा, हर एक पार्टिकल खुद का वेवफ्रंट तैयार करेंगे. सो ईच एंड एवरी पॉइंट्स ऑन द वेवफ्रंट एक्ट्स एज द सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट विच इमिट्स सेकेंडरी वेव्स इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, ऑल पॉसिबल डायरेक्शन. जैसे यहां पर बताया ये सोर्स है, ये सोर्स बन गया, इससे वेव्स बाहर निकले, हर डायरेक्शन में वेव्स बाहर निकले,
मतलब ये जो पॉइंट है ये बन गया सोर्स, और यहाँ से निकले हुए जो सेकेंडरी सोर्स हुआ, और यहाँ से निकले हुए जो लाइट वेव्स है वो सेकेंडरी वेव्स हो गए। सो ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट एक्ट्स एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट विच इमिट्स सेकेंडरी वेव्स इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। नाउ लेट अस ड्रॉ स्फेरिकल वेव फ्रंट। तो यहां पे मैं एक सोर्स ले रहा हूं, ये सोर्स एस हो गया, इट इज द प्राइमरी सोर्स। कौन सा सोर्स हुआ? प्राइमरी सोर्स। अब जैसे यहां पर मैंने एक सोर्स बनाया और आपको बताया ये वेव फ्रंट हो गया, तो मैं वेव फ्रंट को फॉरवर्ड डायरेक्शन में बता रहा हूं, तो बैकवर्ड डायरेक्शन का वेव फ्रंट यहां पर दिखाने की जरूरत नहीं है। एनर्जी को मैं इस डायरेक्शन में मतलब प्रोपेगेशन इस डायरेक्शन में बता रहा हूं लाइट एनर्जी का, तो मुझे बस इतने ही पार्ट की जरूरत है। तो यहां पर ये वेव फ्रंट बन गया, समझ लो दिस इज द प्राइमरी वेव फ्रंट। ये कौन सा वेव फ्रंट हुआ? प्राइमरी वेव फ्रंट। लेट अस कंसीडर इट इज मार्क्ड एज पी क्यू, सो पी क्यू इज द वेव फ्रंट। ठीक है, अब यहां से लाइट वेव्स यहां तक गया था तभी तो वेव फ्रंट बना, मतलब इस वेव फ्रंट पर आप जितने भी पार्टिकल्स लोगे वो सब के सब सेकेंडरी सोर्स का काम करेंगे, एक्ट्स एज द सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट। तो मैं यहां पे ये एक पार्टिकल लेता हूं, नाउ इट एक्ट्स एज द सेकेंडरी सोर्स, और सेकेंडरी सोर्स होने के कारण ये हर डायरेक्शन में सेकेंडरी वेव्स को इमिट करेगा। यहां पर इक्वल डिस्टेंस पर मैंने पार्टिकल्स लिए, इनका एक लोकस बनेगा, लोकस बनेगा इसका मतलब आपको एक वेव फ्रंट मिल गया, मिल गया वेव फ्रंट। अब ऐसे हर एक पार्टिकल वेव फ्रंट बनाएंगे, हर एक पार्टिकल वेव फ्रंट बनाएगा। तो मैं यहां पर एक पार्टिकल ले रहा हूं, समझ लो ये ए है, तो इसका वेव फ्रंट बन गया। यहां पर एक पार्टिकल लूंगा, यही पर लेना, ये पार्टिकल हो गया बी, इसका वेव फ्रंट यहां से दिखा दो, ठीक है। यहां पर पार्टिकल होगा सी, फिर यहां पर डी पार्टिकल लो, फिर यहां पर ई पार्टिकल लो, ठीक है। नाउ ईच एंड एवरी पॉइंट्स ऑन द वेव फ्रंट एक्ट्स एज द सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट व्हिच इमिट्स सेकेंडरी वेव्स इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, यहां तक हुआ। नाउ दीज आर द वेवलेट्स जो अभी ड्रॉ किया हमने डॉटेड लाइन से, ये सब वेवलेट्स है, वेव फ्रंट नहीं है। क्या ये वेवलेट्स? अकॉर्डिंग टू हाइजेंस प्रिंसिपल दिस इज द वेव फ्रंट प्रोड्यूसेस बाय ए, दिस इज द वेव फ्रंट प्रोड्यूसेस बाय बी, दिस इज द वेव फ्रंट प्रोड्यूसेस बाय सी। लेकिन ये जो छोटे छोटे वेव फ्रंट्स है ये वेव फ्रंट वेवलेट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वेवलेट्स। जैसे यहां पर एक और ले लेते हैं, ये वेवलेट्स हो गए, ठीक है। अब इसके बाद में, इसके बाद का स्टेटमेंट क्या है? हाइजेंस प्रिंसिपल यहां पर खत्म नहीं हुआ, हाइजेंस प्रिंसिपल का स्टेटमेंट क्या है? ए टेंजेंशियल लाइन, ए टेंजेंशियल लाइन ड्रॉन टू द वेवलेट्स गिव्स ए न्यू वेव फ्रंट।
gives a new wave front. तो यहां पर आपने ये वेवलेट्स ड्रॉ किए, इन वेवलेट्स को एक टेंजेंशियल लाइन ड्रॉ करो, वेवलेट्स को एक टेंजेंशियल लाइन ड्रॉ करो। तो टेंजेंशियल लाइन मतलब यहां से ऐसा, कर दिया ड्रॉ। नाउ दिस टेंजेंशियल लाइन गिव्स अ न्यू वेव फ्रंट। नाउ दिस मार्क्ड एज पी डैश क्यू डैश। सो इन दिस केस S is the primary source A, B, C, D, E, F. These are the secondary sources. ये secondary sources हो गए। P, Q is the primary wave front and P dash Q dash is the secondary wave front. Now Huygens principle, the use of Huygens principle, it is used to find first nature of new wave front and position also, position of new wave front. To find the position you have to find the distance, आपको distance find out करना पड़ेगा। अब जैसे ये वेव फ्रंट बना पी डैश क्यू डैश, फिर से आप अप्लाई करो हाइजेंस प्रिंसिपल, ईच एंड एवरी पॉइंट्स ऑन द वेव फ्रंट एक्ट्स एज द सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट व्हिच इमिट्स सेकेंडरी वेव्स इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। मतलब पी डैश क्यू डैश पर ऐसे ही पॉइंट लेना पड़ेगा जैसे आपने पी क्यू पर लिए। तो यहां पर मैं ए डैश लेता हूं, फिर बी डैश लूंगा, सी डैश, डी डैश, ई डैश और एफ डैश, फिर सब अपने अपने वेव फ्रंट्स तैयार करेंगे। उस ग्रुप को हम लोग क्या कहेंगे वहां पर, वेवलेट्स। उन वेवलेट्स को फिर से आपको ड्रॉ करना पड़ेगा टेंजेंशियल लाइन, और वो टेंजेंशियल लाइन मतलब क्या बनेगा, न्यू वेव फ्रंट। ठीक है, मतलब जितने भी वेवलेट्स बनते जाएंगे उस वेव फ्रंट के ऊपर जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सब अपने वेव फ्रंट्स तैयार करेंगे, उसके ग्रुप को हम लोग वेवलेट्स कहेंगे। और उन वेवलेट्स को आपको जस्ट एक टेंजेंशियल लाइन ड्रॉ करते चलना है, और वही टेंजेंशियल लाइन नया वेव फ्रंट बनेगा। अब बात स्फेरिकल शेप की अगर करेंगे तो स्फेरिकल शेप मतलब स्फेरिकल सरफेस हो गया, बराबर है। तो आप जो टेंजेंशियल लाइन की बात कर रहे हो वो टेंजेंशियल सरफेस होगा। क्या होगा, टेंजेंशियल सरफेस। वहां पर लाइन की बात नहीं, यहां पर हम डायग्राम इस प्रकार से बना रहे हैं, वन डायमेंशनल दिख रहा है, इसलिए हम लोग यहां पर ये सर्कल दिख रहा है। एक्चुअली ये क्या है, स्फीयर। क्या ये स्फीयर, और जब अगर ये स्फीयर है तो स्फीयर को सरफेस होता है, तो उस वक्त आप टेंजेंशियल लाइन ड्रॉ नहीं करोगे, आप टेंजेंशियल सरफेस ड्रॉ करोगे, बराबर है। अब डायग्राम में हमने ये सर्कल सर्कल दिखा दिए, इधर टेंजेंशियल लाइन की बात की है। लेकिन अगर जैसे कल मैंने आपको बताया था कि टेनिस बॉल जो है वो सेकंड, टेनिस बॉल जो है वो प्राइमरी सोर्स हो गया, और फुटबॉल मतलब क्या हुआ, सेकेंडरी, मतलब फुटबॉल के ऊपर के पार्टिकल सेकेंडरी सोर्स हुए। मतलब फुटबॉल प्राइमरी वेव फ्रंट हुआ ना, फुटबॉल क्या हुआ, प्राइमरी वेव फ्रंट। अब फुटबॉल का सरफेस है स्फेरिकल सरफेस है, तो वहां पर बहुत सारे वेव फ्रंट आपको मिलेंगे, मतलब बहुत सारे वेवलेट्स मिलेंगे, वहां पर ग्रुप मिलेगा, और उन वेवलेट्स के ऊपर लाइन थोड़ी ड्रॉ करोगे, सरफेस ड्रॉ करोगे। इस तरफ सरफेस ड्रॉ करोगे, इधर सरफेस ड्रॉ करोगे, इधर सरफेस ड्रॉ करोगे, इधर सरफेस ड्रॉ करोगे, तब जाकर आपको एक नया स्फीयर मिलेगा, नया स्फेरिकल शेप मिलेगा, एंड इट इज द न्यू वेव फ्रंट। आपको वेव फ्रंट कैसा मिलेगा, न्यू वेव फ्रंट मिलेगा, ठीक है ना। तो वो सरफेस की बात होगी, जब हम स्फेरिकल सरफेस की बात करते हैं तो आपको टेंजेंशियल सरफेस वर्ड यूज करना है। और यहां पर इस प्रकार से हमने अगर सर्कल सर्कल ड्रॉ की है, एक्चुअली है स्फीयर पर सर्कल ड्रॉ की है, तो हम वहां पर टेंजेंशियल लाइन की बात कर रहे हैं, पर एक्चुअली वो सरफेस होता है। नाउ हाउ टू फाइंड द पोजीशन, नेचर तो मिल गया स्फेरिकल है, जैसे अभी मैंने बताया टेनिस बॉल स्फेरिकल शेप, फुटबॉल मतलब प्राइमरी वेव फ्रंट स्फेरिकल शेप,
उसके बाद में नया जो बनेगा वो फुटबॉल जैसा ही बनेगा, मतलब स्फेरिकल शेप का ही बनेगा, मतलब आपको नेचर कैसा मिल गया, स्फेरिकल। यू विल गेट द स्फेरिकल वेव फ्रंट, बट यू हैव टू फाइंड द पोजीशन। यहां से लाइट वेव्स इमिट होगा, वो ट्रेवल करेगा यहां तक, पहले प्राइमरी वेव फ्रंट तक ट्रेवल किया। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट मीन्स डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड, स्पीड मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट, और टाइम समझ लो लग रहा है यहां पर टी, तो ये डी इज इक्वल टू क्या हो गया, सी टी। तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कहां से कहां तक है, ये डिस्टेंस है सोर्स टू प्राइमरी वेव फ्रंट, सोर्स टू प्राइमरी वेव फ्रंट, दैट मीन्स द डिस्टेंस ऑफ प्राइमरी वेव फ्रंट इज सी टी, डिस्टेंस ऑफ प्राइमरी वेव फ्रंट इज सी टी। बट व्हाट अबाउट द सेकेंडरी वेव फ्रंट, सेकेंडरी वेव फ्रंट कब बन रहा है, जब ए से निकले हुए लाइट वेव्स बी से निकले हुए, सी से निकले हुए, डी से निकले हुए सेकेंडरी लाइट वेव्स यहां तक जाएंगे, बराबर है, मतलब यहां से लेकर यहां तक लाइट वेव जा रहा है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, तो इस डिस्टेंस को मैं डी डैश से डिनोट कर देता हूं, डी डैश इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो वही रहेगा। तो प्राइमरी वेव फ्रंट से सेकेंडरी वेव फ्रंट तक जाने के लिए लगने वाला टाइमिंग स्मॉल होगा, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक आपने टाइमिंग क्या लिया, टी। अब प्राइमरी वेव फ्रंट से सेकेंडरी वेव फ्रंट के लिए लगने वाला टाइमिंग मैं डी टी ले लेता हूं, तो ये टाइमिंग डी टी हुआ। तो ये कहां से कहां हुआ, प्राइमरी वेव फ्रंट टू सेकेंडरी वेव फ्रंट। वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ सेकेंडरी वेव फ्रंट फ्रॉम द सोर्स। तो सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली आपको ऐड करना पड़ेगा इन दोनों को, सोर्स से लेकर प्राइमरी वेव फ्रंट तक का डिस्टेंस ये हो गया, प्राइमरी वेव फ्रंट से सेकेंडरी वेव फ्रंट का डिस्टेंस ये हुआ, तो सोर्स से लेकर सेकेंडरी का डिस्टेंस क्या होगा, तो सोर्स से लेकर सेकेंडरी का डिस्टेंस क्या होगा, तो आपको यहां से यहां तक का डिस्टेंस और यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस क्या करना पड़ेगा, एड। तो आपको यहां पर मिलेगा डी प्लस डी डैश, इसका मतलब ये हो गया सी टी प्लस सी डी टी इज इक्वल टू सी, कॉमन आ गया, क्या मिला, टी प्लस डी टी। आप अगर थर्ड वेव फ्रंट अगर बनाते हो तो ये वैसे ही रहेगा सी टी, वैसे ही रहेगा डी टी, वैसे ही रहेगा प्लस सेकेंडरी से लेकर थर्ड ऑर्डर का जो वेव फ्रंट रहेगा, बस यहां पर कितना टाइम लगा वो वहां पर ऐड करना है, आपको सिर्फ टाइम ऐड करते चलना है, आपको पोजीशन मिलता जाएगा, समझे। फोर्थ ऑर्डर का अगर है तो थर्ड से लेकर फोर्थ तक का टाइम कितना लगा, वेलोसिटी तो सी ही है, वेलोसिटी तो कांस्टेंट ही रहेगा ना, सिर्फ आपको क्या ऐड करते चलना है, टाइम। जैसे जैसे आप लोग टाइम ऐड करते चलोगे वैसे वैसे उस वेव फ्रंट का आपको पोजीशन मिलता जाएगा। आपने टी में डी टी ऐड किया, आपको सेकेंडरी का पोजीशन मिलेगा। आप डी टी में और टाइम ऐड करो, आपको थर्ड ऑर्डर का वेव फ्रंट जो है उसका पोजीशन मिलेगा, और टाइम ऐड करो आपको फोर्थ ऑर्डर के वेव फ्रंट का पोजीशन मिलेगा। सो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ न्यू वेव फ्रंट जस्ट बाय एडिंग टाइम इन द गिवन फॉर्मूला, क्योंकि आप यहां से डिस्टेंस कहां से गिन रहे हो, सोर्स से, तो सीधा सोर्स से लेकर सेकेंडरी का, थर्ड ऑर्डर का, फोर्थ ऑर्डर का, फिफ्थ ऑर्डर का आपको डिस्टेंस मिलता जाएगा, मतलब पोजीशन मिलता जाएगा। सो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द नेचर एंड पोजीशन ऑफ न्यू वेव फ्रंट, ठीक है। अब ये किसकी बात हुई, स्फेरिकल वेव फ्रंट की। यू हैव टू ड्रॉ द प्लेन वेव फ्रंट, तो आपको सिर्फ क्या करना है, ये जो डायग्राम है इसको कर्व बताया मैंने, स्ट्रेट बनाना, मतलब ये पीक्यू जो है उसको स्ट्रेट बनाना, ये एज इट इज रहेंगे, और पी डैश क्यू डैश जो है वो भी क्या रहेगा, स्ट्रेट रहेगा, रिमेनिंग एज इट इज, नो चेंज। स्फेरिकल वर्ड जो है वो हटेगा, उसकी जगह पर क्या लगेगा, प्लेन, क्लियर है।